Cook and Bakes since 2010. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक एंड बेक्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको संदल का शरबत घर में बनाना सिखा रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल, इसके अंदर भी इतनी चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आगे जाने से पहले आपको कहती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक ईज़िली पहुँच सके। अच्छा, ये मैंने संदल की लकड़ी ली है। ये बाज़ार से आपको 100 रुपये की जो है ना, वो इतनी लकड़ी जो है वो आपको इजीली मिल जाएगी। मैंने इसको सारी रात गुलाब के अरक में भिगो के रखा है। आपने इसको इस भिगो के रखना है। ये चीनी है, 1 किलो चीनी मैंने ली है। ये टाटरी है मेरे पास, मैंने 2 चुटकी टाटरी ली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैंने पैन ली है और इसके अंदर मैं ये अरक में भीगी हुई जो संदल की लकड़ियाँ हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको 6 से 7 मिनट पकाऊँगी। आपके पास अगर गुलाब का अरक नहीं है, गुलाब की पत्तियाँ जो होती हैं आप बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं, 20-30 रुपए की बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, आप वो इसके अंदर डाल के और 1 से 2 खाने के चम्मच पत्तियाँ डाल दें, पानी डाल दें और संदल की लकड़ियाँ डाल के आप इस तरह इसको भिगो दें। अगर आपके पास अरक नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना कि ये चीज़ नहीं है तो मैंने नहीं बनाना। आप इसका मुतबादल कुछ ना कुछ जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताती रहा करूँगी। आप पत्तियाँ डाल लें, इससे भी जो है वो फ्लेवर आ जाता है। इसको मैं 5 से 7 मिनट पकाऊँगी। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा जो पानी है ये अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर 1/2 किलो जो है वो पानी शामिल करूँगी और साथ इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। इसके अंदर चीनी शामिल कर दूँगी। और इसको 6 से 7 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। अच्छा, ये देखें चीनी मिक्स हो चुकी है। अब आपने इस स्टेज पे इसके अंदर मेरे पास जो टाटरी है, 2 चुटकियाँ टाटरी और 1 चुटकी नमक, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना और इसको इस तरह मिक्स करना है। और इसको 7 से 8 मिनट फिर पकाना है। अच्छा, ये देखें, ये हमारा शीरा जो है शरबत, ये गाढ़ा होता जा रहा है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर मेरे पास जो येलो फूड कलर है ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आपके पास ड्राई फूड कलर है तो आप 1/4 चाय का चम्मच शामिल करें। जेल कलर है तो आप 2 कतरे और अगर उसमें लिक्विड में है तो आप 1/2 चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल करें। ये देखें, ये तकरीबन तैयार है। अब मैं इसको मज़ीद 4 मिनट पकाऊंगी और फिर इसको ठंडा करके बोतल में डाल दूंगी। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा संदल का शरबत तैयार हो चुका है। अब ये जो संदल की लकड़ी है ये मैं इसमें से निकाल लूंगी। और इसको ठंडा करके एक बोतल में रख दूंगी। आप देख लें कितनी चीनी में से 1/2 किलो चीनी से तकरीबन 1.5 लीटर ये जो है वो शरबत बन चुका है। आप रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा है और बहुत ठंडक देने वाला है। क्वांटिटी अगर आप डबल करना चाहते हैं तो इसी तरह ही है कि मैंने 1 किलो चीनी ली, 1/2 किलो पानी इसके अंदर डाला। अगर आप 2 किलो चीनी लेते हैं तो 1 किलो पानी इसके अंदर डालेंगे। बाकी क्वांटिटी जो है वो आपने उसकी टाटरी की वही रखनी है, 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं बढ़ाना और नमक 1 चुटकी ही रखना है। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसको गिलास में डाल के। अच्छा, ये देखें मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। मैं गिलास में आइस क्यूब्स डालें और लेमन के स्लाइस कर लिए। ये मेरे पास तुख मलंगा है, मैंने इसको भिगोया हुआ था। ये बेजल सीड्स भी इसको कहते हैं। आपने
तकरीबन 3 चाय के चम्मच ये इसके अंदर डालना है और ये संदल का सिरप और साथ इसके अंदर पानी ऐड कर देना। ये देखें ज़बरदस्त मज़ेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो है वो तैयार है रमज़ान के लिए। आप इसको घर में बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार और दिल को तस्कीन देने वाला शरबत है ये। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन तो दबाना मत भूलें। शुक्रिया।